क्यूआर कोड बनाना बहुत आसान है। आप इसको, मैं फिर बाद में आपको ये टिप्स भी दूंगा कि आप इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्यूआर कोड बनाना सीख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में जाना है, और ब्राउज़र में जाने के बाद आपको, सॉरी दोस्तों, उसके बाद आपको गूगल में जाना है, और गूगल में आपको टाइप करना है QR कोड। सॉरी दोस्तों, QR कोड जनरेटर, ये नीचे आ गया है, इस पर आपको एंटर कर देना है। अब ये देखिए सर्च हो रहा है और ये हमारे वेबसाइट खुल के आ रही है। देखिए दोस्तों, QR कोड बनाने की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन एक फेवरेट वेबसाइट है जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, जिससे मैं हमेशा अक्सर QR कोड बनाया करता हूँ। ये काफ़ी टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है। तो ओके, तब तक हम साइमल्टेनियसली दूसरा QR कोड भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा दूसरा QR कोड जो हमने नीचे बना के रखा हुआ है, ये देखिए, ये हमारा दूसरा QR कोड है। दोस्तों इसके हम लेंथ कितनी भी बढ़ा सकते हैं, कितनी भी कम कर सकते हैं। ये हमारा QR कोड जो है, इसका हम साइज कितना भी बड़ा कर सकते हैं। इसको हम चाहें तो अपनी टी शर्ट पर प्रिंट करा सकते हैं, अपनी बुक्स पर प्रिंट करा सकते हैं, अपने बैग्स पर प्रिंट करा सकते हैं, कहीं भी प्रिंट करा सकते हैं, और ये हमारे सारी इन्फॉर्मेशन को उसमें इकट्ठा रखेगा, और कोई भी हमारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहेगा तो बस इसको रीड करेगा और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए हम अपनी वेबसाइट पर वापस लौटते हैं, और ये देखिए इसमें बहुत सारी QR कोड के लिए वेबसाइट आ रही हैं। जो फेवरेट मेरी वेबसाइट है वो बता दूँ आपको कौन सी है। देखिए इसके नीचे आइए, ये QR कोड जनरेटर, ये रही। ये जो आपको ऊपर से थर्ड नंबर वेबसाइट जो दिख रही है, ये वाली, ये हम वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, तो हम इसी पे क्लिक करते हैं। देखिए अब इसका इंटरफेस खुल के आ रहा है। देखिए ये इंटरफेस खुल के आ रहा है, आपको यहाँ पे QR कोड ऐसे बन के आ जाएगा। तो आप इसमें किस किस के लिए बना सकते हैं, एक सबसे पहले तो हम एक वेबसाइट के लिए बना सकते हैं, वेबसाइट का URL हो, उसको हम स्टोर करा सकते हैं ताकि कोई भी आपको उसको रीड करे तो डायरेक्ट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करा दे। दूसरा, हम इसको टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट के लिए ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट लिख के उसको QR कोड में सेव करा सकते हैं। ये हमारा वी कार्ड के लिए है, SMS के लिए है, कॉल करना है तो कॉल के लिए है। ये हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है, उसको हम QR कोड के अंदर स्टोर करा सकते हैं। ये हमारे कोई इवेंट है, उसकी डेट वगैरह फिक्स करनी है, कोई ईमेल है, उसको QR कोड के अंदर डालना है ताकि हमें इजीली कहीं भी एक्सेस हो सके, और हमारा वाईफाई वगैरह है। तो हम सबसे पहले एक टेक्स्ट के लिए बना के देख लेते हैं। चलिए तो मैं कुछ भी यहाँ टाइप कर देता हूँ, मान लेता हूँ मैं टाइप करता हूँ दिस इज QR कोड। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है, देखिए जैसे हमने यहाँ टाइप करना ख़त्म किया तो यहाँ पे हमारा ये लोड होके आ गया। अब यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करिए और आपका इमेज जो है डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको किसी भी फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ बॉर्डर बताया गया, कितना बॉर्डर रखना है, मान लीजिए हम यहाँ 2 रख लेते हैं। यहाँ पे इसकी साइज हम कितनी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए कितनी भी हम यहाँ पे साइज ले सकते हैं। तो हम यहाँ 400 रहने देते हैं, काफ़ी है। और यहाँ पे हम PNG और JPEG जिसमें चाहें उसमें इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम इसको JPEG में डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए अब थोड़ी देर में डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको खोल के भी देख लेते हैं कि हमारा QR कोड बन गया या नहीं। तो ये हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो हम इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा QR कोड जो है सामने में विजुअल हो रहा है। तो अपना एंड्रॉयड मोबाइल उठाइए, उसमें QR कोड रीडर डाउनलोड कीजिए और इसको स्कैन करके देखिए। तो आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को होल्ड करिए। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस यूट्यूब को रोक के आप इसको एक बार स्कैन करके देख सकते हैं। मैं आगे आपको अपने मोबाइल फ़ोन से इसको स्कैन करके दिखा रहा हूँ। लीजिए दोस्तों, हम अपने मोबाइल में आ गए हैं। हमने यहाँ पे एक QR कोड रीडर पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये QR कोड कैमरा खुल जाएगा, और इसको हम सीधे अपने PC पे, हमने QR कोड बनाया उस पर लेके जाएंगे। और ये देखिए QR कोड रीड होके आ गया, दिस इज QR कोड। हमने इसी का QR कोड बनाया था, हम इसको दोबारा रीड करके देख सकते हैं। देखिए मैं बैक जाता हूँ, फिर से मैं यहाँ आता हूँ, और ये देखिए ये रीड हो गया और ये आ गया दिस इज QR कोड। दोस्तों मैं आपको जो मैंने पुराना आपको
प्रेजेंटेशन में जो दिखाया था उसको भी हम मैं रीड करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इतने सारे क्यूआर कोड मैंने बनाए हुए हैं, तो मैं इन सबको रीड करके एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। आप ये देख रहे होंगे इतने सारे क्यूआर कोड बने हुए हैं, अब मैं इनको एक एक करके रीड करता हूँ। तो हम अपने प्रेजेंटेशन में वापस जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम यहाँ जाएंगे, क्यूआर कोड ही बना रखा था, ये देखिए इस पर मैंने एक वेबसाइट का लिंक डाल के रखा था, तो ये इसको कॉपी कर लिया। अब देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं एक दोबारा से। अब हम क्या करेंगे, हम इसको दूसरा वाला क्यूआर कोड करेंगे। ये देखिए हम दूसरा क्यूआर कोड पे यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको कॉपी करते हैं, देखिए ये हमारा यूट्यूब के लिए हमने एक क्यूआर कोड बनाया था, इसको भी इसने कॉपी कर लिया है। ओके करके दोबारा करके देखते हैं, ये देखिए सॉरी, ये देखिए हम जिससे इस पे ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट हमें वहाँ पे यूट्यूब पे रीडायरेक्ट करा देगा। मैं देखिए आपको दोबारा दिखा दूँ क्यूआर कोड कहाँ स्कैन हो रहा है। ये देखिए ये हमारा कैमरा खुलता है और सीधे जाके हम क्यूआर कोड पे लेके जाते हैं, स्कैन होकर हमारा यूआरएल आ जाता है। और हमारा ये देखिए इस पे हम जैसे ही ओके करते हैं तो ये हमारी वेबसाइट खुल जाती है। ये हमारा थोड़ा नेट प्रॉब्लम है इसलिए जल्दी से खुल नहीं रहा है, बाकी आपका खुल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने सीखा क्यूआर कोड बनाते कैसे हैं, उसको रीड कर लोगों ने देखा कि हमने कैसे क्यूआर कोड बनाया। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये देखिए हमने कैंसिल कर दिया। और अब ये देखिए सॉरी, ये हमने कैंसिल कर दिया। और देखिए हम इसके लिए हम कोई और क्यूआर कोड बना सकते हैं। जैसे हम किसके लिए क्यूआर कोड बनाना चाहते हैं, मान लीजिए हम किसी वेबसाइट के लिए बनाना चाहते हैं या मान लीजिए हम किसी इवेंट के लिए बनाना चाहते हैं। देखिए हम जैसे इवेंट पे क्लिक करते हैं तो ये इवेंट का इंटरफेस खुल के आ जाता है। हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, तो देखिए डाल रहे हैं हम देश एज माई फर्स्ट इवेंट। ओके यहाँ पे हम डेट डाल सकते हैं, यहाँ पे हम डेट की जगह कुछ भी डाल देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे डेट यहाँ सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे कोई डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद टाइम हमें यही रखते हैं। ये हमारा लोड हो रहा है, ये देखिए हमारा क्यूआर कोड ये बन के आ गया। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारा वही ऑप्शन खुल के आया। इसको हम जेपीईजी में डाउनलोड कर लेते हैं और ये हमारा डाउनलोड हो रहा है और ये हमारा यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर नीचे अभी डाउनलोडिंग शो करेगा और ये डाउनलोड हो जाएगा, ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको आप इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। दोस्तों क्यूआर कोड बना तो लिया हमने, लेकिन हम इसका यूज कहाँ करेंगे, तो देखिए आपको हम कुछ बेहतरीन तरीके बताते हैं जहाँ आप इसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी कोई नोटबुक बना रहे हैं, उसके ऊपर आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, आप अपनी टी शर्ट के ऊपर इसको प्रिंट करा सकते हैं, आप अपने बैग्स के ऊपर इसको प्रिंट करा सकते हैं, आप अपने लगेज के ऊपर इसको प्रिंट करा सकते हैं, ताकि आपका अगर कहीं लगेज खो जाए तो वो आपका क्यूआर कोड स्कैन करके आपका एड्रेस वगैरह आपको फाइंड करके आपको वो वापस कर सकें। आप अगर कहीं जा रहे हैं और आपका लगेज है तो आप उस पर क्यूआर कोड प्रिंट करवाएं। उससे क्या होगा कि आपका अगर कहीं सामान गुम हो जाता है तो जो जिसको वो मिलेगा तो वो क्यूआर कोड को रीड करेगा और आपके पास आपका सामान लौटा देगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए।